हे माँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, जन्म लेने से पहले ही मुझे मरने के लिए फेंक दिया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं XMT News। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हे माँ, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, जन्म लेने से पहले ही मुझे मरने के लिए फेंक दिया। शायद नवजात शिशु रो रोकर अपनी कलयुगी माँ को यही पूछ रहा होगा। आज सुबह थाना डौकी क्षेत्र के ग्राम पुटपुरा निवरी में बाजरा के करब के अंदर प्लास्टिक के कट्टे में एक नवजात शिशु रोता करब के नीचे मिला। सुबह ग्रामीणों की चहल पहल होने पर करब के अंदर से बच्चे की रोने की आवाज़ आने पर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने करब को हटाकर देखा तो ग्रामीण दंग रह गए। ग्रामीणों ने पूंज हटाकर नवजात को कट्टे से बाहर निकाला और इसकी सूचना थाना डौकी पुलिस को दी, लेकिन एक घंटे तक थाना डौकी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। मजबूरन ग्रामीण ग्राम पेतीखेड़ा स्थित सीएससी पर बच्चे को लेकर पहुंचे। वहां पर तैनात ANM रीवा वर्मा ने उसकी हालत को नाजुक देख उसे समिदा स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाय कस्बा के प्राइवेट कृष्णा हॉस्पिटल पर इलाज के लिए भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू कर दिया। इससे बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई गई। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण उस अभागिन माँ को कोसते हुए नजर आ रहे थे। अभागिन ने अपना कलंक छुपाने के लिए बच्चे को जन्म देकर उसे मरने के लिए बाजरा में दबा दिया। उसको मासूम पर जरा भी दया नहीं आई। फतेहाबाद से XMT न्यूज के लिए सुशील कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। क्या नाम है? लोकमान्य, मेरा नाम है। कौन सा काम है? पुटपुरा। क्या हुआ है? सुबह इलेक्ट्रिक करने गया था, सपने में पिल्ला था, मैं जाकर चबूतरा बैठ गया था करीबन 200 मीटर दूर से। फिर क्या हुआ? वहाँ से पिल्ला मुझे को बार बार आता था जाता था, और उसके बाद में उसके साथ में आया तो देखा उसमें बच्चा निकला है। फिर क्या हुआ? और बच्चे वाले मेरे गाँव वाले बुलाए, मैंने गाँव वाले बच्चों को लिया है। कहाँ पर? हॉस्पिटल लाए, पहले धिप्पे तीरा लाए थे, वहाँ पर क्रांजी आ गए थे, और उसके बाद में फतेहाबाद लाए। पुलिस पहुंची है? कुछ कुछ कोई नहीं पहुंची है। अब कितने बज रहे हैं? मैं पैतीखेड़ा डिलीवरी करती हूँ। क्या नाम? मेरा नाम है रीमा वर्मा। क्या हुआ है? ये फूटपुरा के कुछ लोग बच्चों को लेके आए मेरे पास। प्लास्टिक के कट्टे में बच्चा रखा हुआ था, तो मैंने उसको बच्चे को जान बचाने के लिए अपना पूरा प्रयास किया। तो फिर मैं इसको फतेहाबाद लेके आई हूँ, तो उसका कृष्णा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रही हूँ। अभी बच्चे की हालत कैसी है? अब बच्चे की हालत नॉर्मल है। क्या क्या है बच्चे के साथ में? गंदगी वगैरह? गंदगी भी थी उसके अंदर, बच्चा सीरियस था, ठंडा था बहुत भयंकर। उसको मैंने अच्छे से ढका और अपने सक्शन भी किया, वहाँ पे प्रयास किया बहुत कुछ। जब मुझे लगा कि बच्चा सही नहीं हो रहा है, मैं तो फिर मैं लेके फतेहाबाद आई इसको। कभी चाइल्ड लाइन को, कहीं बड़े अधिकारियों को? सभी को मैंने बता दिया, अपने CSC में बता दिया है। अभी कोई आ रहे हैं चाइल्ड लाइन से? शायद आ सकते हैं, अभी मैंने बोल दिया है, सर बोल रहे हैं कि आने के लिए। पुलिस वगैरह को? पुलिस कहाँ, फोन भी आया उनका, तो मैंने बोल दिया, उन्होंने कहा है अपनी कस्टडी में रखना, किसी को देना मत। अभी तक आपके यहाँ? अभी मेरे पास कोई नहीं आया, पुलिस से कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। कितने बजे टाइम हो गया? 10:30 हो गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें।